राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज सदन में जितने भावुक दिखे वैसा शायद ही आपने उन्हें पहले देखा होगा। दरअसल आज जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सांसद महिला पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर हंगामा करने लगे। पहले तो सभापति ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब सांसद लगातार शोर मचाते रहे तो सभापति गुस्से में पहले अपनी सीट से उठे और फिर जो उन्होंने कहा वो सबको हैरान कर गया। इसके बाद उन्होंने सभी सांसदों को संबोधित किया। इस दौरान वो बेहद ही भावुक नजर आए। सभापति ने कहा कि विपक्ष का रवैया सही नहीं है, सदन में रोज रोज मेरा अपमान हो रहा है, सभापति के पद को चुनौती दी जा रही है, मैं अपने आप को यहाँ सक्षम नहीं पा रहा हूँ। सभापति ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को चेतावनी दी। सभापति ने कहा कि मैं आपके व्यवहार की निंदा करता हूँ, ये आपका अब तक का सबसे खराब व्यवहार है, अगली बार मैं आपको सदन के बाहर कर दूंगा, आप चेयर पर कैसे चिल्ला सकते हैं। आपको बता दें, राज्यसभा में विनेश फोगाट का मामला विपक्ष के नेता खड़गे ने उठाने की कोशिश की थी, लेकिन सभापति धनखड़ ने इसके लिए उन्हें अनुमति देने से मना कर दिया था। इसके बाद जब टीएमसी सांसद ने इस मुद्दे पर बात करना चाहा तो जगदीप धनखड़ ने उन्हें चेतावनी दे डाली। सभापति ने कहा कि अगर उन्होंने ये हरकत फिर से की तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसके बाद सदन में हंगामा और तेज हो गया। बताते चले, ये कोई पहला मौका नहीं था जब सभापति ने विपक्षी सांसदों के हंगामे पर नाराजगी जताई हो। वो बड़ी सौम्यता से अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज कुछ सांसदों की टिप्पणी उन्हें इतना आहत कर गई कि वो खुद को इमोशनल होने से नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, मैं बेहद ही दुखी मन से कहना चाहता हूँ कि आज तक उन्होंने बहुत कुछ सुना, लेकिन कभी कभी ऐसा आचरण आहत कर देता है। ऐसे में वो इन हरकतों की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चला पा रहे हैं।